हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज हाउ टू चेंज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16, जिसको हम 0 टू 15 में काउंट करते हैं, जिसमें 0 टू 9 नंबर्स और ए टू एफ अल्फाबेट इंक्लूड रहते हैं, जिसमें ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी 11 को, सी 12 को, डी 13 को, ई 14 और एफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है 15 को। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एग्जांपल दिया है 1100, ये आपको बाइनरी में दिया हुआ है, आपको चेंज करना है डेसिमल में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेसिमल में क्या करना पड़ेगा, 4 बिट की पेयर बनानी पड़ेगी। तो पहले आप काउंट कर लीजिए इसमें कितनी है, इसमें ऑलरेडी 4 है, तो आपने इसको 4 का, ये आपको लेफ्ट टू राइट जाना है और इसमें आपको 8421 का रूल अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 8 और 4 होता है 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 और 0 जो 15 जो नंबर हैं वो किसके बीच आते हैं, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो आपको इसमें 8421 का मल्टीप्लाई करना है 1100 में, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 × 0 इज़ 0 प्लस करते चलना है, 2 × 0 इज़ 0, 4 × 1 इज़ 4, देन 8 × 1 इज़ 8, ठीक है। 8 और 4 को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सी को, तो आंसर विल बी सी।